हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ए पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने यूनिट 2 तक इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसमें हम यूनिट 3 से करवाएंगे। यूनिट 3 से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कंप्यूटर है। कंप्यूटर बिल्कुल सिंपल है, किसी का कंप्यूटर पहले से ही तैयार होगा। इस वीडियो में आपको परेशानी नहीं जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परिभाषा देते हुए समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा मानव में समानता तथा अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कंप्यूटर प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय थे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। कंप्यूटर क्या है, इसके गुणों व दोष लिखिए। कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए तथा इसके गुण एवं दोष लिखिए। ए अथवा में आ सकता है सीखा। कंप्यूटर भाषा किसे कहते हैं, किन्हीं तीन भाषाओं के नाम बताइए। अथवा में आ सकता है, कंप्यूटर भाषा से आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर भाषाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रिंटरों का वर्णन कीजिए अथवा में आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनमें अंतर आपको बताना है। कंप्यूटर की मेमोरी का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है अथवा में आ सकता है, रोम तथा रैम का पूर्ण नाम बताइए। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम और रैम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को विस्तारपूर्वक समझाइए। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की विवेचना कीजिए, ये अथवा में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम बूट करने से क्या आशा है, स्पष्ट कीजिए। DOS क्या है, DOS के बूट होने की प्रोसेस समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट FAT क्या है, यह किस प्रकार और कैसे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी और आंतरिक एक्सटर्नल और इंटरनल DOS कमांडो की तुलना कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणा लिखिए। वर्ड प्रोसेसिंग की कमांड्स पर विस्तारपूर्वक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर वर्णन करो, मेन्यू बार, टूल बार, एडिटिंग, इंसर्टिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 7 तथा विंडो 8 के बारे में विस्तारपूर्वक लिखिए। लिनक्स सिस्टम की विभिन्न विशेषताओं को लिखिए। लिनक्स सिस्टम के बेसिक फीचर्स को लिखिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट को प्रारंभ करने तथा प्रस्तुति बताने के विभिन्न चरण लिखिए। अगला है, पावर पॉइंट स्क्रीन के विभिन्न भागों को समझाइए। नेक्स्ट, मास्टर स्लाइड से आप क्या समझते हैं और इसके क्या लाभ हैं। एप्लीकेशन विंडोज़ की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। यूनिट 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। गिब्स का प्रवस्था नियम लिखिए एवं उसमें प्रयुक्त विभिन्न पदों को समझाइए, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, घटक प्रवस्था, स्वतंत्रता की कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F=C-P+2 समीकरण को कैसे स्थापित किया जा सकता है अथवा में आ सकता है, प्रावस्था समीकरण है ये, तो इसकी व्युत्पत्ति समझाइए, ये आ सकता है। मुक्त ऊर्जा और गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन से आप क्या समझते हैं, इसके समीकरण की व्याख्या कीजिए अथवा में आ सकता है, मुक्त ऊर्जा क्या है, ताप एवं दाब के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त ऊर्जा क्या है, इस पर ताप एवं दाब के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अगला है, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से आप क्या समझते हैं, इसकी ऊष्मागतिक व्युत्पत्ति समझाइए अथवा में आ सकता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम को समझाते हुए इसकी ऊष्मागतिक व्युत्पत्ति कीजिए। नेक्स्ट है, लीसातेलिए सिद्धांत को संक्षिप्त में समझाइए। लीसातेलिए सिद्धांत क्या है, इसके प्रभावों को समझाइए। बॉन्ड हॉफ सम आयतनिक रेखा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, बॉन्ड हॉफ समतापी अभिक्रिया क्या है, समझाइए। बॉन्ड हॉफ अभिक्रिया समतापी से क्या आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। बॉन्ड हॉफ का अभिक्रिया समतापी समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए तथा द्रव्य वाष्प साम्यावस्था में इसके अनुप्रयोग लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा एंथैल्पी के आधार पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की व्युत्पत्ति कर उसके अनुप्रयोग लिखिए अथवा में आ सकता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए तथा उपयोग इसके अथवा में क्वेश्चन बन सकते हैं, स्थिर दाब पर होने वाले प्रक्रम के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए।
आगे आते हैं यूनिट 5 पर, वर्णलेखनी किसे कहते हैं। वर्णलेखनी तकनीक सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, वर्णलेखनी को परिभाषित करते हुए उसे वर्गीकृत कीजिए। अगला है गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी से आप क्या समझते हैं समझाइए। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत समझाइए। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पर संक्षिप्त नोट लिखिए। HPLC का क्या तात्पर्य है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है। नेक्स्ट, फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैसे काम करती है। आयन क्रोमेटोग्राफी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूनिट 8 है विद्युत चुंबकीय विकिरण से आप क्या समझते हैं इसके प्रकार समझाइए। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोर्डबर्ज फीजर के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बियर लैम्बर्ट नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा मैं आ सकता है बियर लैम्बर्ट नियम को समझाइए। इस पर नियम की सहायता से किसी यौगिक का अणुभार कैसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बियर लैम्बर्ट नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बियर लैम्बर्ट नियम को समझाइए। इस नियम की सहायता से किसी यौगिक का अणुभार कैसे जाना जाता है। किसी यौगिक के लिए प्राप्त होने वाले यूवी स्पेक्ट्रम की प्रकृति ग्राफ द्वारा दर्शाइए। इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रावैग्नीय स्पेक्ट्रम किन ऊर्जा संकरणों के कारण बनते हैं अथवा मैं आ सकता है प्रावैग्नीय क्षेत्र में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशोषण पर संयोगमन का क्या प्रभाव होता है समझाइए अथवा मैं आ सकता है यूवी अवशोषण पर संयोगमन का क्या प्रभाव होता है उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। IR स्पेक्ट्रोमेट्री के फिंगरप्रिंट क्षेत्र का संरचना निर्धारण में क्या उपयोग है। अगला क्वेश्चन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री का सिद्धांत समझाइए तथा इसकी प्रायोगिक विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा मैं आ सकता है आणविक कंपन को समझाइए। अगला है वर्णापकर्षी विस्थापन वर्णोत्कर्षी विस्थापन अतिवर्णक प्रभाव व अघोवर्णक प्रभाव को संक्षिप्त में समझाइए। वर्ण नियम से आप क्या समझते हैं समझाइए। नेक्स्ट है हुक के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिंगरप्रिंट क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट, परमाणविक या रेखिल स्पेक्ट्रा क्या है अथवा मैं आ सकता है रेखिल स्पेक्ट्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आणविक स्पेक्ट्रा क्या है संक्षिप्त में समझाइए। हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए अथवा आ सकता है जल अणु में कंपन की विभिन्न विधाएं क्या हैं। समझाइए कि परमाणुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रा रेखिल होते हैं जबकि अणुओं से बैंड स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अगला है स्वतंत्रता की कोटि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्ण नियम का गुणात्मक वर्णन कीजिए। स्पेक्ट्रोमीटर तीव्रता का क्या अर्थ है। फ्रैंक कॉन्डन सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रमन प्रभाव क्या है उसकी क्रियाविधि समझाइए। रमन प्रभाव क्या है या कैसे प्राप्त होता है। अवशोषण तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे कहते हैं दोनों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। रमन प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए अथवा मैं आ सकता है रमन प्रभाव क्या है स्टॉक्स तथा प्रीटस्टॉक्स रेखाओं की विवेचना कीजिए। परमाणु स्पेक्ट्रा तथा रेखिल स्पेक्ट्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकिरण रहित संक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाते हुए इसकी प्रयोगात्मक विधि का वर्णन कीजिए। प्रावैग्नीय तथा दृश्य क्षेत्र में आणविक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण का वर्णन कीजिए। अगला है किसी बंध के बल नियतांक से आप क्या समझते हैं। बल नियतांक का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। फिंगरप्रिंट क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है यदि कंपन स्पेक्ट्रम SCL अणु के लिए V=0:1 संक्रमण में अवशोषण आवृत्ति कितनी है 2890 nV SCL अणु के लिए बल नियतांक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है स्पिन विपाटन व युग्मन स्थिरांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।